हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, कहे भी जाते कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे जो उन कोशिश करे है, मेहनत करे है, लगन के साथ जो उन काम करे है और शिखर में आज पहुँचे है, आत्मनिर्भर किसान, सफल कृषक जय स्वरू जी। जय स्वरू जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। तो जय स्वरू जी है, बहुत मेहनत करे है, लगन के साथ काम करके आज खेती में अपन मुकाम हासिल करे है और 2 ठन गाय से वो शुरुआत करे है और आज बहुत बड़े रकबा में वो खेती करत है, किसानी करत है। तो जय स्वरू जी से हम चर्चा थोड़ा बाद में करबो, लेकिन ओकर ले पहले ओकर खेत चलथन, ओकर कर्म भूमि चलथन, जी हाँ, वह दिन रात मेहनत करे है और खेती ला बहुत बढ़िया ढंग से वह काम करके दिखा है। तो आओ चलथन ओकर पहली खेत। संगवारी हो, खेती किसानी के जहाँ बात होइस तो सब ले पहली बात आते कि खेती किसानी में मेहनत मांगते, किसान माटी से माटी मिल के कमाते, अपन पसीना उगराते, तब कहीं जाके धरती माता सोना जैसे दाना उगलते। संगवारी हो, खेती में पक्का इरादा हो, संकल्प हो और मेहनत करे के जुनून हो तो सफलता है उकर चरण चुभते। आज हम एक ऐसे किसान से आप मतलब मिलवाबो, किसान भाई हो जेन हा शुरुआत जमीनी स्तर से अपन खेती किसानी ल शुरू करीस और आज वो कौन स्थिति में है, ये हमारे नव युवक किसान मन में एक प्रेरणा के स्रोत है और वो हरे जय वरु भाई। वरु भाई अपना नमस्कार है। आप बताते कि आप एक युवा हो और युवा हो कि आप नौकरी चाकरी कोती नहीं गए, खेती कोती आ गए और आप शुरुआत में कैसे ढंग के संघर्ष करके खेती में डेवलप करे, विकास करे, नया तकनीकी ले का परेशानी हुई साहब ला? शुरुआत में बहुत तकलीफ की से, नवा नवरिया रहे हूँ, सिखैया मन धीरे धीरे सब मिली सहयोग करी, विमल चावड़ा जी, हेमराज भाई है, हेमंत भाई है, मन हा अच्छा सहयोग दिस और सीखे हन ओमन से और आज आगे बढ़ेन और नवा लड़का मन लग हलो हमन अब प्रेरणा देथन, सिखाथन, बताथन। मोर आसपास गांव में, सिलघट गांव में 8-10 लड़का मन इसे जो हमारे यहाँ आते, देखते, सीखते और आज सब बाड़ी करत है, केरा के सफल खेती करत है ओमन सब। हमारे गाँव के ज़्यादातर किसान जो है सब केरा प्लांटेशन में गए है और केरा के बहुत अच्छा खेती करत है और 5 एकड़ ले आज 40 एकड़ की खुद के ज़मीन है और सब 125 एकड़ में अभी खेती करते हो रेगा बाड़ी मिला के। तो संगवारी हो, हम है ना जेस भाई वरू के खेत को तिजाबो और देखबो कि कतेक अच्छा एकर फसल है, कैसे आधुनिक ढंग ले खेती करत है। सभी क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भरता आवश्यक है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जिसमें किसान भाई बहनों को आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर दूसरों पर निर्भरता को कम करना होगा, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में किसानों को भी प्रोत्साहन समेत आर्थिक लाभ मिलेगा। देश के किसान ही विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, फूल, सब्जियां इत्यादि की खेती करके भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और सशक्त बना सकते हैं और ऐसे ही आत्मनिर्भर किसानों की गिनती बढ़ते जा रही है, जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम बेंद्री जिला रायपुर में रहने वाले जयेश भाई जी हैं, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करके आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जयेश भाई कॉमर्स की पढ़ाई करने के पश्चात अकाउंट की नौकरी में आए। यह नौकरी उन्हें रास नहीं आई और वे नौकरी छोड़कर सन 1998 में गौ पालन का कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे सन 2000 में उन्होंने 5 एकड़ से खेती प्रारंभ की। उस समय उनकी मुलाकात सफल कृषक एवं किसानों के प्रेरणा स्रोत विमल भाई चावड़ा जी से हुई। विमल चावड़ा से उन्होंने आधुनिक खेती की पद्धति को सीखा, ड्रिप किस प्रकार लगाना चाहिए, जल प्रबंधन की गुर सीखी, मांदा निर्माण सीखा, मल्चिंग शीट बिछाने की जानकारी ली और खेती किसानी प्रारंभ की। कड़ी मेहनत करने लगे। धीरे धीरे 12 एकड़ से 30 एकड़ तक जमीन ली और 2 वर्ष कड़ी मेहनत करने के पश्चात वो आगे बढ़ते गए। कड़ी मेहनत करते करते उन्होंने किराए की जमीन और कुछ अपनी मेहनत की जमीन खरीदकर 140 एकड़ में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। वे केला, अदरक, टमाटर, करेला, गोभी, धनिया, पालक जैसे नाना प्रकार की सब्जी उगाकर आत्मनिर्भर होकर कई किसानों को आधुनिक खेती सिखा रहे हैं और उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जयेश भाई जैसे कई किसान भाई बंधु हैं जो अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भरता की राह पर चलना सिखा रहे हैं। जयेश भाई जी जैसे किसान सफल खेती करके आसपास के कई अन्नदाता को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे आधुनिक विधियों एवं वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके लाभ लिया जा सकता है। नाना प्रकार की सब्जियों की खेती करने वाले जयेश भाई आज मिसाल कायम कर रहे हैं। हम कई सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन जरूरत है कि हमें जयेश भाई वरुजी जैसी पद्धति सीखने की, नई तकनीकों को अपनाने की, जिससे किसानों को लाभ हो। हमारे आज के सफल कृषक का कहना है कि अनुभवी कृषकों की मदद लें और मौसम के अनुसार खेती करें। अगर कभी नुकसान हो भी जाए तो किसान भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं, लाभ अवश्य होगा। किसान भाइयों, सफलता की राह पर चलने के लिए सीखना और कोशिश करना सबसे अहम है, जो जयेश भाई वरुजी ने की। नई विधियों को सीखने की कोशिश की और आज एक आत्मनिर्भर किसान है। जयेश जी जैसे कृषक सफल खेती करके कई किसानों को मार्गदर्शन देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हो, उनके जीवन में खुशहाली आए और इस देश का हर एक किसान आत्मनिर्भर बने। किसान भाई हो तो अभी हमन देखत रहें कि कैसे जयेश वरुजी है
जिसे प्रधानमंत्री जी के कहना है कि आप रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनो, ट्रेनिंग देने वाला बनो, आत्मनिर्भर आप स्वयं बन गए हो और किसान घलो आत्मनिर्भर बनाओ, ऐसने दिशा में कदम बढ़ाए है जय स्वरू जी है। तो जय स्वरू जी, सबसे पहली तो हम आपसे जानना चाहबो कि जैसे आप पढ़े हो लिखे हो, खेती के शुरुआत आप कैसे करो? काबर हम देखें कि गाय दो ठन गाय के से शुरुआत करे हो, और जी हाँ गाय है तो गोबर है, गोबर है खाद है, गोमूत्र है तो खाद है, यानी खेती किसानी बहुत अच्छा है। तो खेती के शुरुआत आप कैसे करे हो? पढ़े हन बीकॉम एमकॉम करे हन, ओकर बाद में नौकरी करत हन, भाई जगह अकाउंट के काम करे हन। अच्छा, फिर विचार आई इसके जीवन भर इसे नौकरी करत रहो, कुछ करना है जीवन में तो कैसे करबो? बिल्कुल। तो हमारे भाई के और हमारे काका मन के सहयोग से काम चालू करें, तीन गाय से। अच्छा, शुरुआत हुई से, और तीन गाय से बढ़त बढ़त में 5 एकड़ जमीन लेहन, ओकर बाद में फिर 5 एकड़ से आज 40 एकड़ खुद के जमीन है। बहुत अच्छा। और करीब करीब 150 एकड़ में खुद खेती करत हन, और आज सब आधुनिक खेती करत हन, पूरा ड्रिप इरीगेशन है, ट्रैक्टर माउंटेन है, और दवाई छिटे के मशीन यंत्र मन है, और लगभग हर प्रकार के फल और एकर सब्जी मन के खेती करत हन। संघर्ष तो बहुत हुई से जी, पर संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा बात आप बताएं कि शुरुआत पढ़ें लिखें होकर बाद अकाउंटेंट के हम नौकरी करें, लेकिन आप बहुत अच्छा बात की कि युवा मन खाली नौकरी डहर जाते हैं, छोटी सी नौकरी मिल गई तो हम लोग छोड़े नहीं या वही में लगे रहते थे, लेकिन आप खेती डहरा का बार कहे भी जाते कि उत्तम खेती, अगर उत्तम कोनो है तो खेती है, अब बोला आप मन चुने। तो अभी जैसे हम देखत रहें कि हल्दी के खेती आप मन करत रहे हो, और कौन कौन से सब्जी की खेती आप मन करत हो? हल्दी के खेती तो इस साल कोविड के सती करना पड़ी से। अच्छा। हमारे यहाँ प्रगति करके एक वैरायटी है, प्रतिभा प्रगति, जिनमें करकुमिन सबसे ज़्यादा रही थे। अच्छा, वो हल्दी अच्छा। वैरायटी लगाए हैं, वो 15 टन के आसपास होकर उत्पादन आते एकड़ के। बहुत बढ़िया। एकर अलावा हमन मुख्य हमार खेती है अदरक है, मोर मुख्य फसल है अदरक। अच्छा। टमाटर, मिर्चा, लौकी, करेला और भाजीपाला वगैरह भी लगातन समय मिलते था बीच बीच में, और साल के आखिरी में अभी केला भी मुख्य फसल है हमार। वो एक पूरा खेती में का होते जिसे हर समय सब्जी एक एक चीज़ करने से कभी नुकसान होए के भी संभावना रही थी, कोई बड़ा फसल रही थे तो एक टेका रही थे बोलते जिसे छत्तीसगढ़ी में टेका रही थे कि हाँ, कभी हाँ। नुकसान हो इस तो कोई चीज थाम ली, भरपाई हो जाते हो जी, जी, तो जी, वैसे करके हर चीज के खेती करा था, लगभग सभी चीज के खेती करा था, जैन भी छत्तीसगढ़ के जलवायु में उपयुक्त है वो सब ला बहुत। जैसे अभी आधुनिक खेती के बात हमन करत हन, अब आप खुद एक आधुनिक किसान हो, वैज्ञानिक खेती आप मन करत हो, तो आधुनिक खेती करत हो तो कौन कौन बात के ध्यान आप मन रखे हो, और हमारे किसान भाई मन घलो कौन कौन बात ला अपनावे आधुनिक खेती करे उमन तरक्की करे? आधुनिक खेती को जिस ढंग से आधुनिक खेती बोल के बताया जाता है वैसा वास्तविकता नहीं है। खेती का मुख्य नियम जो है, बेसिक्स जो पहले थे वो आज भी है। जी 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 जी। अच्छी जोताई, बिल्कुल, अच्छी निंदाई, अच्छी गुड़ाई, बिल्कुल, ये मुख्य चीज़ें हैं ही हैं जी। तो प्रथम कार्य अच्छी जोताई, अच्छी बड़ी मशीनों से हम 50 HP 55 HP ट्रैक्टर से अच्छी जोताई करते हैं, जमीन की तैयारी मतलब तैयारी करते हैं जी, जी। फिर उसके बाद मांदा तैयार करके खाद वाद डाल के अच्छे से फसल लगाना, फिर ड्रिप बिछाना। आधुनिक खेती में बिना ड्रिप के संभव नहीं है खेती। ड्रिप के बाद अब नया सिस्टम है मल्चिंग सीट लगाना, मांदा के ऊपर मल्चिंग सीट लगाते हैं। मल्चिंग सीट लगाने के बाद उसके ऊपर एक एक पौधा का रोपण किया जाता है, और उससे आधुनिक खेती में यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि जब मल्चिंग और ड्रिप दोनों सहयोग रहता है साथ में, तो हम एक एक बूंद के साथ, एक हर बूंद के साथ खाद हमारा जाता है ज़मीन में जी, और पौधा पूरा पूरा उसको लेता है। हमारी बचत भी होती है खाद की, और पानी की भी बचत होती है, और प्रतिदिन हमको पौधे में बढ़वार और उसकी चमक दिखती है रोज। तो आधुनिक खेती में ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि हम चूँकि आधुनिक खेती कर रहे हैं तो हम रसायन सीधे हम जड़ों पे दे रहे हैं जी, जी। तो पौधे नाजुक भी हो जाते हैं, तो उस समय हमें कीट पतंगों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो
ऐसा भी नहीं है कि बस पैसा लगा दिए या चीज़ें लगा देने से हो जाता है, ऐसा नहीं है। रोज़ जाना पड़ता है खेत, रोज़ जाके रोज़ देखते हैं जी, रोज़ कीट पतंगों का ध्यान देते हैं जी, पानी कम ज़्यादा मौसम के अनुसार जैसा हमको निर्णय लेना पड़ता है मौसम को देख के, टेम्परेचर को रोज़ चेक करते हैं जी, बादल देखते हैं, ये सब रोज़ इनसेट वगैरह चेक करके फिर उसका निर्णय लेते हैं। आधुनिक खेती में सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, समाहित रहती है जी जी जी। बहुत अच्छा बात आप बताए कि आधुनिक खेती में जैसे मल्चिंग सीट के उपयोग बिल्कुल आवश्यक है, और ड्रिप, वन ड्रॉप वन क्रॉप, मोर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे बिल्कुल एक एक बूंद पानी। एक बात मैं हम जरूर जानना चाहबू कि जैसे मल्चिंग सीट है, मल्चिंग सीट ला कैसे ढंग के लगावे, जैसे काला भीरी थे सफ़ेद भीरी थे, कते भाग अंदर रहे कते भाग ऊपर रहे, अंदर मतलब ओकर का फायदा है, एक बारे में भी आप मन बताओ, बोला कब लगाना चाहिए। जमीन की अच्छी जुताई के बाद, ड्रिप बिछाने के बाद हम मल्चिंग को लगाते हैं जी। मल्चिंग दो तरह की आती है, एक सिल्वर ब्लैक आती है जी, जी। और एक वाइट ब्लैक आती है जी जी। तो अत्यधिक धूप के समय में हम लोग वाइट ब्लैक का उपयोग करते हैं जी जी, और बरसात नज़दीक आ जाती है जैसे फसल लेट लगा दी तो सिल्वर ब्लैक का उपयोग करते हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कि नहीं तो किसान जिस समय लगाना है वो ना लगा करके दूसरा लगाए तो फिर थोड़ा उसमें उत्पादन में कमी आएगी जी। तो काला हिस्सा जो है वो जमीन के नीचे तरफ रहता है जी, सफ़ेद या सिल्वर जो रहता है वो ऊपर तरफ रहता है जी जी। उससे परजीवियों को रिफ्लेक्शन होता है उसकी आंखों में भी जी, तो वो जैसे ही सिल्वर के तरफ आते हैं, सिल्वर सीट के तरफ, तो जी जी। वो रिफ्लेक्ट उसकी जो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है जी सूर्य ऊर्जा का, उस सबसे वो थोड़ा दूर हटते हैं, उनकी भी आँखें चौंध जाती है। शुरुआत में वो बेनिफिट मिलता है, पौधों में तुरंत बीमारियाँ नहीं आती हैं बिल्कुल। उसके अलावा मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि वाष्पीकरण दर, जो आप खुले में खेती करोगे आप चार बार पानी पला लोगे जी जी, पर वाष्पीकरण दर उसकी बहुत तेज़ हो जाती है, तेज़ हो जाती है। जैसे ही आप मल्चिंग लगाओगे तो उसका वाष्पीकरण दर जो है धीमा हो जाता है जी, और आप जितना पानी हर हमेशा देना पड़ता था पहले जी, वो मल्चिंग लगाने के बाद वो कम देना पड़ता है, और दर भी जो है रोज़ पानी नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। मल्चिंग के कारण वो पानी अंदर में रहता है, समाहित रहता है, जब उसको ज़रूरत होती नमी तभी हम नमी बनी रहती है जी, तो हम जब ज़रूरत रहे तभी हम पानी का सिंचाई का उपयोग करते हैं जी, के माध्यम से। नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात, जैसे और उसमें मल्चिंग लगाने का सबसे बड़ा फायदा एक तो वाष्पीकरण की दर रुकी और जी। निंदाई जी, कचरा जो है जी जी, आज के समय में लेबर मतलब बनिहार जिनला बोलते हैं जी, बहुत महंगा हो गया है। आज लेबर से आप कचरा निंदवाते थक जाओगे लेकिन कचरा उतना ही होगा, उतना ही क्योंकि होगा। हम गोबर की खाद उपयोग करते हैं, गोबर की खाद बहुत ज़्यादा उपयोग करने से कचरा बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। तो निंदाई में भी पैसा बहुत लगता है, और बार बार निंदाई कराने से भी पौधा खराब होता है, उसकी जड़ों पे नुकसान होता है, नुकसान होता है। तो मल्चिंग लगाने से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं, और अब हम मतलब जब ड्रिप आया तो ड्रिप के कायल हुए, अब ऐसा लगा बिना ड्रिप के खेती नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिना मल्चिंग के भी खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, नहीं सही बात है, काबर मल्चिंग के फ़ायदा बहुत है, ड्रिप के फ़ायदा बहुत है। वरु जी एक बात आपसे हम जानना चाहबू कि जैसे कोनो भी फसल हम लेवत हन, कोई भी फल के खेती करत हन, सब्जी के खेती करत हन, फूल के खेती करत हन, तो बीज चयन है कतेक महत्वपूर्ण होते, बीज के चयन पर किसान भाई कतेक सजग रहा है, बिल्कुल कैसे सावधानी बरता है, एकर बारे में भी बताओ। बीज के चयन के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है जी, हाइब्रिड सीड आ गए हैं जी, और बहुत महंगे सीड हैं जी। अभी हम टमाटर का जो सीड उपयोग कर रहे हैं वो 1,00,000 रुपए किलो का सीड है जी। अगर हमने चयन गलत किया सीड का जी, बीज का चयन गलत किया जी, तो हमारा पूरा साल भी ख़राब होता है, फसल भी ख़राब होती है। हम हमारे खेतों में आने वाली जो प्रजातियां रहती, नई प्रजातियां जो आ रही है, कंपनी के डेमो वगैरह रहते हैं उनको, या कोई नया बीज बाज़ार में आया है उसको, उसकी एक एक दो दो क्यारियां हमारे खेतों में हम पहले से ही लगा लेते हैं, और उसका हमारी चालू फसल के साथ हम उसका कंपैरिजन करके देखते रहते हैं कि इसमें उत्पादकता ज़्यादा है, किसी फल में क्या टॉलरेंसी, पौधों में क्या टॉलरेंसी है, फल कैसे हैं, नाजुक है, कोमल है, बाज़ार में भेजने लायक है कि नहीं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम पहले ही तय कर लेते हैं जी। जब लगता है कि ये जो वर्तमान फसल है उससे अच्छी फसल इसकी आ सकती है, वो बीज इससे भी उन्नत बीज है वो जी, तो तब हम उस बीज का चयन करके फिर नई लाइन में उसको लेते हैं, नई फसल लगाने के समय फिर हम उस बीज का चयन करते हैं।
और इस चीज़ में ही बहुत किसान भाई हमारे जो हैं धोखा खा जाते हैं। वो दूसरे की देखा देखी में एक दूसरे से पूछ के, जो वो लगा रहा है मेरा दोस्त लगा रहा है मैं भी लगा लिया, वैसा करके धोखा खा जाए। जब तक अपनी खुद की जगह पे, अपने खुद के वातावरण में, अपनी खुद की जलवायु में, अपने यहाँ के पानी में उस बीज को आप लगा के उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको खेत में बड़े पैमाने पर लगाना चाहिए। जी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीज के चयन है, जिसे आपने बताया, और खाली दूसर के सुनना नहीं है, हाँ, खुद वाला प्रयोग करना है, उकर साथ ढलना है, वाला देखना है कि अगर उत्पादन के साथ पैरेलल चलना है, बिल्कुल ऐसे। बहुत बड़ी बात आप बताया वरु जी। हम आपसे एक बात और जानना चाहबो, जैसे किसान बहुत मेहनत करते, लागत लगाते, दिन रात माटी में माटी मिल के कमाते, उत्पादन के जब बेरा आते तो रोग और व्याधि कीट पतंगा मन है किसान ला तकलीफ पहुंचा देते, कमर तोड़ देते अगर ज़्यादा हावी हो गए तो एकर बर आप मन कैसे कौन बात के ध्यान रखते हो, कैसे आप मन पहचान था, या कोनो बीमारी आवे मत एकर लिए पहली प्लान आप करता हो, कैसे करता हो, कैसे कीट प्रबंधन रोग प्रबंधन करता हो? अब ये बहुत लंबा और कठिन विषय, अब समय के चूँकि पाबंदी है, पर कुछ समय में बता सकता हूँ कि हमन ला भी कुछ नहीं आती। अच्छा, जब मैं पढ़ के आया तब अकाउंटिंग लाइन से आया था, M.Com किए हैं, बिल्कुल, अब डेयरी किए, हाँ, उसके बाद खेती में आए तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं। क्या है क्या। बहुत सहयोग मिला हमारे परिचित मित्रों से और हमारे बड़ों से, जी, आपस में एक दूसरे को किसान हमेशा सहयोग करते हैं। श्री विमल चावड़ा जी हैं, जी, उन्होंने बहुत ही चीज़ें सिखाई हमको, जी, वो शुरू में ही अपने खेत में मल्चिंग मलपुरी में उनका फार्म है, वहाँ पे बुला बुला के किसानों को ट्रेनिंग देते थे हमको, और बहुत साल तक हमने उनसे सीखा है। जी जी, कुछ भी समस्या आती थी हम विमल भैया के पास चले जाते थे, जी, तो ऐसे करके हमको कई जानकारी मिली। उसके बाद अब तो आसान हो गया, अब तो नेट में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जी, आजकल के बच्चों को तो तकलीफ कम है इसमें, वो नेट चालू करते हैं और कौन सी बीमारी उसको देख लेते हैं, कीट पतंगों को देख लेते हैं, बाजार में दवाई मिलती है वो ले लेते हैं, ले आते हैं। हमारे समय में बहुत कठिनाई थी इन चीज़ों की। जी जी जी, उन सब से जूझते हुए आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, पर चूँकि ये खेती जो है निरंतर प्रयास का काम है। जी जी, हर वक्त सीखने का काम है, बिल्कुल लगातार सीखना है उसमें। हर वक्त मौसम अलग हो जाता है, हर वक्त समस्या नहीं आती है, उससे भी जूझ करके आगे बढ़ना है। हर वक्त कीट पतंगों की भी रेजिस्टेंस पावर बढ़ता जाता है, तो उससे ज़्यादा ताकतवर कीट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में दवाइयाँ भी नई नई आती, नए केमिकल आते हैं, उन सब का केमिकल का उपयोग कैसे करना, जो केमिकल का उपयोग ऐसा करना कि आदमी को भी नुकसान ना पहुँचे, बिल्कुल रेसिडुअल एक्शन भी कम हो उसका, ताकि बाजार में हमारी सब्जी जाए तो खाने योग्य हो, जी बिल्कुल, जहरीला ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करके जी हम उसका चयन सही तरीके से उपयोग करते हैं। नहीं जैस भैया, आप बहुत बढ़िया बात बताए, चाहे बीज चयन के प्रक्रिया हो, चाहे खाद हो, चाहे मल्चिंग सीट के बारे में हो, चाहे ड्रिप के बारे में हो, चाहे जैसे हम कीट व्याधि के बारे में कहें कि ऐसे हमला दो में दवाई डालना है जिन जहरीला भी मत होए, पौधल भी नुकसान मत होए, फल भी नुकसान मत होए, स्वास्थ्य भी नुकसान मत होए, ऐसे मतलब विभिन्न विषय में कम समय में आप मन बहुत बढ़िया चर्चा करे हो। अब आप स्टूडियो आए कर लिए, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार मानते हैं। किसान भाई हो, बहुत बढ़िया ढंग से जय स्वरू जी है, जो उन सब्जी की भी खेती करा थे और फल के भी खेती करा थे, और कैसे आधुनिक विधि से वो खेती करके आज तरक्की करा थे, प्रगति करा थे, वो आत्मनिर्भर हो गए। किसान भाई हो, आपो मन है जागरूक रहो, आपो मन है आधुनिक खेती करके आत्मनिर्भर बनो। बस आज अतके दो विदा, राम राम।